सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आते हो आपको ये epf.co.in टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको मेंबर होम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से वेब पेज दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैप्चा और एंटर यूएन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है आपको। वेरीफाई पे क्लिक करते ही कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपका कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करते राइट साइड के चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगेगा। यहाँ पे आपको आपका आधार से लिंक जो मोबाइल है वो नंबर डाल देना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP डालते ही आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस आपको जो पासवर्ड डालना है वो यहाँ पे टाइप कर देना है और नीचे कन्फर्म पासवर्ड पे भी वही पासवर्ड डालना है जो ऊपर डाला गया है और यहाँ पे सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह से मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड जनरेट हो गया है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक।